अलावा साहब बुनियादी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, और मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट इस सवाल से कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई, और ये भी इरशाद फरमाएं कि आपका किस बिरादरी से ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपकी कराची में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम मेमन मस्जिद, बोल्टन मार्केट। 1954 में ये बनी थी और 1955 में मुकम्मल हुई थी शायद। उस इंतज़ामिया को ज़रूरत थी कि मस्जिद इतनी बड़ी बनाई है तो कोई ऐसा शख्स मिले जो इसे आबाद भी करे। उससे पहले वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह माह रमदान 1955 में कराची आए थे पहली मर्तबा। वाले साहब की पैदाइश है खेमकरन की। अच्छा, ईस्ट पंजाब। सही। वहाँ से हिजरत करके 1947 में उकाड़ा आए थे। 1947, उससे पहले वो एक दो मर्तबा उकाड़ा आ चुके थे। अच्छा, तो उन्हें वही जगह याद रही और वही पसंद आई तो हिजरत करके कसूर के रास्ते उकाड़ा आ गए थे। और उकाड़ा में क़याम रहा, वहीं पहला मदरसा जामिया हनफिया अशरफुल मदारिस बनाया। उसके लिए वो कराची आए थे तो माहे रमदान का आखिरी अशरा उन्होंने यहाँ गुजारा था। उस 10 दिनों में वो कराची को फतह कर गए थे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। कराची वालों ने ऐसा लहजा, ऐसा तकल्लुम, ऐसा तरन्नुम नहीं सुना था। आए आए, वाह वाह। तो उनकी निगाहें इंतखाब वाले साहब पर पड़ी। सुभान। तो उन्होंने इमाम व खतीब की हैसियत से वाले साहब को कराची बुलाया। सुभान। मेरे पीर मुर्शिद हजरत गंजे करम पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी अल मारूफ हजरत करमा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाले साहब से फरमाया, आपकी वहाँ ड्यूटी लग गई है। वाह 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 वाह। आपने कराची को सुन्नी बनाना है। सुभान। और ये कह के कराची बाबुल मदीना है, जो भी जाते थे यहीं से जाते थे। वाह वाह। तो ये अल्लाह वालों की तरफ से ड्यूटी लगी थी। तो वाले साहब आए, अच्छी कब्र मशहूर है। जी जी, अगर आपको याद हो। जी जी, ओल्ड टाउन सिटी एरिया में, उसके पड़ोस में सुल्तान मेंशन एक इमारत, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन पैदाइश के फौरन बाद उकाड़ा चले गए, बचपन उकाड़ा में गुजरा है। अच्छा, नहीं, आपकी यहाँ पैदाइश हुई, फिर दोबारा आपके वाले साहब उकाड़ा में। जी चले। माशाल्लाह। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज सायर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।